क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक चार्ज है कैपिटल क्यू, इसे हमने डिवाइड किया है दो पार्ट में, स्मॉल क्यू और दूसरा है कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो इसने कहा कि इसे कैसे डिवाइड करना चाहिए, इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू को कैसे डिवाइड करना चाहिए कि अगर मैं उसे किसी डिस्टेंस पे रखूं तो उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब इस कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू ये कैसे डिवाइड होने चाहिए कि उनके बीच लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो। तो चलो मान लेते हैं कि इसे मैंने किसी डिस्टेंस डी पे रखा है, एक चार्ज क्या है छोटा क्यू, दूसरा क्यू, दूसरा बड़ा क्यू माइनस छोटा क्यू, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है डी, इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ मान लेते हैं। फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी लग रही होगी, एफ इक्वल टू के क्यू क्यू माइनस क्यू बाय डी स्क्वायर। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर। ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हो गया उन दोनों चार्जेस के बीच में। अब हम जानते हैं कि इनके बीच लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम होगी अगर डी एफ बाय डी क्यू जो है वो जीरो के इक्वल हो, है ना, फोर एफ मैक्स यही होता है ना, फोर एफ मैक्स क्या हो जाएगा, डी एफ बाय डी क्यू इक्वल टू जीरो। तो डी बाय डी क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। के बाय डी स्क्वायर तो बाहर है, कांस्टेंट है, तो इसमें क्यू इंटू क्यू का हो जाएगा वन और क्यू स्क्वायर का टू क्यू। इसकी जीरो में मल्टीप्लाई कर दो, इसे जीरो में डिवाइड लगा दो, तो क्या हो जाएगा, क्यू माइनस टू क्यू इक्वल टू जीरो। तो q इक्वल टू कितना, टू क्यू। क्लियर, q इक्वल टू टू क्यू।